हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है अंकुश और आज मैं आया हूँ मिर्जापुर। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का। विंडम फॉल मिर्जापुर से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर घोरावल रोड पर पड़ता है। यहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलती, आपको अपनी बाइक या कार से ही जाना पड़ेगा। विंडम फॉल के बाहर ही एक पार्किंग है जिसका मोटरसाइकिल का 20 रुपये, टेम्पो और कार का 50 रुपये है और बड़ी गाड़ियों का 100 रुपये यहाँ पे होता है। गेट के बिल्कुल अंदर प्रवेश करते ही आपको यहाँ पे एक पार्क दिखेगा जिसे विंडम पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्क के अंदर एक बहुत बड़ी हाथी है, बगल में स्लाइडर है जहाँ पे बच्चे काफ़ी सारे एक्टिविटीज करते हैं। बच्चों के लिए एक पार्क काफ़ी अच्छा पार्क है। बरसात के मौसम में अगर आप जाते हैं यहाँ तो चारों तरफ आपको हरा भरा बिल्कुल देखने को मिलेगा। अंदर की रोड भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे दीवार बाउंड्री पे भी स्टार बनाए गए हैं कलर कलर। यहाँ पे साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। अगर साफ सफाई अगर आप नहीं रखते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो 500 रुपये का जुर्माना भी यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है। किनारे देखिए नए नए प्लांट्स लगाए गए हैं जिसको तारों से बाउंड्री बना दी गई है। तो आइए चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। चेतावनी, पर्यटकों से निवेदन है कृपया झरने को पानी में नहाने का प्रयास न करें, ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है क्योंकि पूर्व में ऐसा करते हुए कई पर्यटकों की मृत्यु हो चुकी है। पानी का फ्लो यहाँ पर कभी भी तेज हो सकता है क्योंकि डैम से पानी छोड़ा जाता है तो अचानक से पानी यहाँ पर बढ़ जाता है जिसके चक्कर में काफ़ी लोग की जान चली गई है। इसलिए अगर आप यहाँ जाते हैं तो बस आप नेचर का एंजॉय करिए, बाहर बैठकर पिकनिक की तरह आप यहाँ पर एंजॉय करिए, पानी के अंदर जाने का प्रयास ना करें जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ पर देखिए पत्थर पे एरो बनाया गया है, कितना बढ़िया ऊपर फूल खिले हुए हैं। ये इस रास्ता सीधा आपको ले जाएगा विंडम फॉल के पास, काफ़ी लोग जा रहे हैं यहाँ पर। इधर भी एक पूरा ग्राउंड है, बट इस गाड़ी वगैरह आपकी बाहर ही खड़ी हो जाएगी, यहाँ तक आपको पैदल चल के आना पड़ेगा। तो चलिए चल के देखते हैं विंडम फॉल का ये नज़ारा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फॉल में सेल्फी लेना एवं गहरे पानी में प्रवेश करना खतरनाक है, डेंजर जोन में प्रवेश करना वर्जित है। हर जगह बोर्ड लगाया गया है, कृपया सावधानी से यहाँ पर आएं और इन्जॉय करें। सेल्फी लेने के चक्कर में काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि लोग फिसल कर खाई में जाकर गिरे हैं, तो ये यहाँ पे काफ़ी डेंजरस भी है। आपको बहुत ही सावधानी से अगर आप यहाँ आते हैं तो बिल्कुल सावधानी से यहाँ पर आएँ नीचे तक। अभी बारिश के मौसम में यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, अभी थोड़ा पानी यहाँ पे फ्लो कम दिख रहा है, बट भीड़ अभी भी है यहाँ पे लोग की। हम आ चुके हैं बिल्कुल नीचे, यहाँ पे जहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं अगर पानी का फ्लो रहता है तो इधर किनारे तक भी पानी आ जाता है।
बिल्कुल यहाँ पे सावधानी से आएँ। अभी इस टाइम पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से इधर किनारे पे पानी नहीं आया। यहाँ पे देखिए लोग पानी भी भर रहे हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, खाने भी बनाते हैं, अपना सामान लेकर आते हैं बैठ के, लेकिन कितनी गंदगी भी कर दी है। तो आप लोग नेचर को क्लीन और ग्रीन रखना हमारा ही काम है, तो ये गंदगी कृपया ना करें, कूड़े को एक ही जगह रखें। हालांकि यहाँ पे कूड़ेदान भी नहीं बनाया गया है, यहाँ वन विभाग को चाहिए कि यहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान दें। यहाँ भी देखिए बिस्किट चाय पानी की दुकान वगैरह भी है। तो यहाँ पे पहाड़ों के अंदर से पेड़ निकले हुए हैं, काफ़ी छाया है यहाँ पे बैठे हैं लोग। नेक्स्ट ब्लॉग मनगढ़ का होने वाला है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।